हनुमानगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक हॉस्पिटल में अचानक लगी आग और चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। मचा हड़कंप और लोगों की समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये कैसे हुआ है। और फिर दमकल को बुलाया गया, आग पर काबू पाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा से जब दूरभाष पर इस हॉस्पिटल के अंदर लगी आग के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने जानकारी दी है, दूरभाष पर जानकारी दी है कि 16 SSW मियाँ वाली ढाणी जो कि मेहरवाला ग्राम पंचायत के अंदर स्थित है, टीबी ब्लॉक के अंदर आता है। यह हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्र का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी बताते हैं। प्रथम दृष्टया जो आग लगने का कारण सामने आया, जो जानकारी मिली है कि इस हॉस्पिटल के अंदर दीवार की ईंटें तो चारों तरफ लगी हुई हैं, लेकिन अंदर की तरफ फाइबर के पार्टीशन बनाए हुए थे जिसने आग पकड़ ली। आपको बता दें कि फाइबर के जो पार्टीशन थे वह आग जल्दी पकड़ते हैं, इसीलिए चारों तरफ धुआं ही धुआं, आग ही आग एकदम पकड़ ली। फाइबर के जो पार्ट होने के कारण यह आग जल्दी पकड़ी है, लेकिन दमकल वहाँ बुलाई गई, उसके बाद आग पर काबू तो पा लिया है। नुकसान कितना हुआ है, अंदर क्या नुकसान हुआ है, यह सारी जानकारी तो अब दोबारा जब स्वास्थ्य विभाग कोई प्रेस नोट जारी करेगा उसके बाद ही पता चल पाएगा, पर आग पर काबू पा लिया है। सुबह सुबह का वक्त था इसलिए जान माल की कोई वहां पर हानि नहीं हुई है, ऐसी जानकारी दी गई है, लेकिन अंदर आग लगने के कारण नुकसान जरूर हुआ है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।